हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स, अपकमिंग वीक में क्या क्या पॉसिबिलिटी है और कौन से ट्रेड पे आपको ज्यादा फोकस करना है। इसके साथ में मैं आपको पांच स्टॉक्स बताऊंगा जिसमें आप लेवल बेस्ड स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये निफ्टी का डेली चार्ट है, आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये एक बड़ा रेड कैंडल था और अब अगर आप देखो ये बड़ा रेड कैंडल का हाई क्रॉस कर रहा है। अगर ये बड़ा रेड कैंडल का हाई क्रॉस कर लेता है तो जितने भी लोग ये कैंडल में शॉर्ट किए हैं वो सबका स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट हो जाएगा और वो सब ट्रैप होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो अभी भी जो व्यू है निफ्टी में वो बुलिश ही है। मुझे लगता है यहाँ से टिल द एक्सपायरी 14,000 तक के लेवल्स हमें इजीली देखने को मिल सकते हैं। सो 14,000 तक के टारगेट के लिए आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। कोई भी इंट्राडे डिप मिलता है काफी अच्छा बाय रहेगा 14,000 तक के टारगेट के लिए निफ्टी में। अगर आप 15 मिनट का भी चार्ट देखो तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया था और ये रेजिस्टेंस एरिया क्रॉस कर चुका है निफ्टी एकदम कंफर्टेबली और उसके ऊपर क्लोज दे चुका है। सो निफ्टी अभी भी अप ट्रेंड में है और काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जा रहा है। 14,000 तक के लेवल्स हमें एक्सपायरी तक देखने को मिल सकते हैं। आपका व्यू जो है वो बुलिश होना चाहिए और आपका ध्यान जो है वो लॉन्ग ट्रेड की तरफ ज्यादा होना चाहिए। बैंक निफ्टी पे अगर आप देखो ये जो पूरा फॉल आया था इसका वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिल चुका है, बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस कर सकता है निफ्टी को। मुझे लगता है निफ्टी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, और अगर ऊपर जाने की बात करें तो निफ्टी पहले ऊपर जा सकता है और उसके बाद बैंक निफ्टी फॉलो कर सकता है। सो बैंक निफ्टी में यहाँ से 31,500 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी बायो डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी है। 30,000 के आसपास कोई भी डिप मिलता है काफी अच्छा बाय रहेगा 31,000 एंड 31,500 तक के टारगेट के लिए। बट अगर कंपेयर करें निफ्टी बैंक निफ्टी तो निफ्टी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। सो निफ्टी में हमें रैली देखने को मिल सकती है और बैंक निफ्टी उस रैली को फॉलो कर सकता है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। सबसे पहला स्टॉक बाय होगा अरबिंदो फार्मा। अरबिंदो फार्मा का स्ट्रक्चर मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है क्योंकि अगर आप देखो एक रेड कैंडल आया था और उसके बाद एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली है और ये एक इमीडिएट छोटा सा रेजिस्टेंस जरूर है 920 के आसपास। अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर लेता है तो मुझे लगता है ये इजीली 960 970 टेस्ट कर सकता है। सो 960 970 तक के टारगेट के लिए हम इसको बाय कर सकते हैं। एग्जैक्टली कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक होगा एचयूएल। एचयूएल ने भी फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, 2400 के आसपास ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है यहाँ से 100 रुपए की रैली हमें और देखने को मिल सकती है। ये जो प्रीवियस हाई है 2500 के आसपास ये लेवल्स वापस ये रिटेस्ट कर सकता है। सो 2500 तक के टारगेट के लिए हम इसको बाय कर सकते हैं। एग्जैक्टली कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। थर्ड स्टॉक होगा भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल का भी स्ट्रक्चर मुझे काफी अच्छा लग रहा है बाइंग के लिए। इसमें एक बहुत बड़ा फॉल हमें देखने को मिला था लेकिन अगर आप देखो वापस ये अप ट्रेंड कंटिन्यू कर चुका है और हायर लोस क्लीन एंड क्लियर बनाते जा रहा है। इसमें भी मुझे लगता है 540-550 तक के लेवल हमें इजिली देखने को मिल सकते हैं। सो इसमें भी आपको बाइंग की तरफ ध्यान देना। एक्जैक्टली कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। फोर्थ स्टॉक होगा एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट का स्ट्रक्चर मुझे काफी वीक लग रहा है क्योंकि अगर आप देखो एक बड़ा रेड कैंडल बनाते जा रहा है कंटिन्यूअसली और यहाँ पर ये इनसाइड कैंडल बना रहा है। अगर ये इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन देता है तो मुझे लगता है यहाँ से 1150 तक के लेवल हमें इजीली देखने को मिल सकते हैं जो कि ये प्रीवियस सपोर्ट है। सो 1150 तक के टारगेट के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हो। एक्जैक्टली कौन से लेवल पे सेल करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक है क्यूमिंस इंडस्ट्रीज। क्यूमिंस इंडस्ट्रीज में अगर आप देखो यहाँ पर डेली चार्ट पे क्लीन एंड क्लियर बेरिश एंगल्फिंग बना है और यहाँ पर ये इनसाइड कैंडल बना रहा है। अगर इसका भी लो टूटता है तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। ये इजीली 530 के लेवल्स तक आ सकता है। सो 530 के टारगेट के लिए हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। एक्जैक्टली कौन से लेवल पे सेल करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। लास्ट स्टॉक होगा जिंदाल स्टील। जिंदाल स्टील का भी स्ट्रक्चर मुझे काफी वीक लग रहा है क्योंकि अगर आप देखो इसने काफी अच्छा ट्रेंड लाइन ब्रेक किया और बड़े रेड कैंडल के साथ ब्रेक किया है। अब थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ से अगर सेल ऑफ देखने को मिलता है तो ये 230-240 तक आ सकता है। इसमें आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। एग्जैक्टली कौन से लेवल पे सेल करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। मेरा टेलीग्राम चैनल में मैं आपको कल ही मॉर्निंग में आपको ये सारे स्टॉक्स के लेवल्स बता दूंगा, कौन से लेवल पे आपको बाय करना है, कौन से लेवल पे आपको सेल करना है। जो भी मैंने स्टॉक्स बताया 6 स्टॉक्स, ये सब इंट्राडे ट्रेड नहीं है, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको ट्रेड करना है और ये आने वाली वीक के लिए आपको ट्रेड करना है। और निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने आपको क्लियरली व्यू बताया, दोनों में व्यू है बुलिश। सो ये 6 स्टॉक्स के लेवल्स मैं आपको अपडेट कर दूंगा कल मॉर्निंग में ही। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको कैश मार्केट लेवल ट्रेड्स भी मिलते हैं
ऑप्शन सेलिंग के एंड ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स भी मिलते हैं, और ऑप्शन सेलिंग के जो ट्रेड्स दे रहा हूं मैं उसमें काफी अच्छी एक्यूरेसी है। अगर आप मेरे ऑप्शन सेलिंग के कॉल्स फॉलो कर रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरे ऑप्शन सेलिंग कॉल्स कैसे लग रहे हैं और उसकी एक्यूरेसी, और उसमें आपको प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जितने भी नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आई होप आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।